इंडियन फुटबॉल इज हेडिंग टू एशियन गेम्स। फाइनली जो इंडियन फुटबॉल फैंस को चाहिए था वो हमारे को मिल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। इंडियन फुटबॉल इज हेडिंग टूवर्ड्स एशियन गेम। येस, आई एम नॉट क्रैकिंग अ जोक ओवर हेयर। इंडिया की ओलंपिक एसोसिएशन ने 800 पार्टिसिपेंट्स के साथ इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल की जो है मेंस एंड वुमेंस की उन दोनों का नाम एंट्रीज करके भेज दिया है एशियन गेम्स के लिए। बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नाउ कि क्या वो हमारे को क्लियरेंस देंगे हमारी मेंस नेशनल टीम को फुटबॉल की चाइना में जाने की, क्योंकि हम सबको पता है कि जो वुमेंस की नेशनल टीम है वो टॉप 8 के क्राइटेरिया में आती है, टॉप 8 में आती है एशिया के। तो वुमेंस की जो फुटबॉल की टीम है हमारी वो तो जाएगी ही जाएगी एशियन गेम्स में। बट जो हमारा कैंपेन चल रहा था पिछले 3-4 दिन से, हैशटैग चल रहे थे ट्विटर पे, फाइनली उनका रंग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इट विल ऑल डिपेंड ऑन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के वो क्लियरेंस देंगे नहीं देंगे, बट लेट्स सी, वो देखने वाली बात है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो भी अब फंस चुकी है कहीं ना कहीं, उनके पास भी सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं अब, या तो इंडियन फुटबॉल टीम को जाने दें एशियन गेम्स में, या फिर एशियन गेम्स का जो क्राइटेरिया है उनका टॉप 8 में अगर कंट्री आएगी हमारी इंडिया की तो ही हम भेजेंगे। तो उस हिसाब पे ही अगर वो रहे, उस पे ही स्ट्रिक्ट रहे वो, तो कहीं ना कहीं उनको वॉलीबॉल, कराटे, हैंडबॉल इन सब की भी जो टीम्स हैं वो भेजने से मना करनी पड़ेंगी टू एशियन गेम्स। तो कहीं ना कहीं अगर वो अपने रूल पे ही रहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी, तो इंडिया के साथ साथ जो दूसरी स्पोर्ट्स है जिनमें हमारी रैंकिंग नहीं है टॉप 8 में, वो भी इंडिया में ही रह जाएंगे, नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे ये सारे स्पोर्ट्स फिर एशियन गेम्स में। बट आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऐसे करेगी, एंड आई थिंक कि वो थोड़ी सी हमारे साथ नरमी से काम लेगी इस रूल के हिसाब से, एंड इंडियन फुटबॉल टीम को जाने देगी वो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट एक और काफ़ी बड़ी न्यूज़ आज मिली हमारे को, अपडेट मिली कि 2018 के जो एशियन गेम्स थे जो जकार्ता में थे, ऑफ कोर्स जो हमारे माननीय प्रेसिडेंट थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उस टाइम पे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, उन्होंने हमारी टीम इंडिया को सिर्फ इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं समझते थे कि हमारी टीम इंडिया फुटबॉल की जो है वो मेडल ला सकेगी वहां से। तो इस क्राइटेरिया पे सिर्फ उन्होंने नहीं जाने दिया हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को 2018 में। हालांकि उस पूरे एशियन गेम्स का खर्चा इंडियन फुटबॉल टीम का AIFF उठा रही थी अपने बलबूते पे, वो अपनी टीम को भेजना चाहते थे एशियन गेम्स में, एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं समझते थे कि हमारी टीम वहां से कोई मेडल ला पाएगी। बट आई थिंक कि अगर यही ऐसे ही मंदबुद्धि ऑफिशियल्स हमारे बैठे रहेंगे IOA में ज़्यादा देर तक, तो कहीं ना कहीं बाकी स्पोर्ट्स पे भी इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा। क्योंकि आई डोंट थिंक कि इंडिया की जितनी भी स्पोर्ट्स की टीम्स जाती हैं ओलंपिक्स या एशियन गेम्स, वहां से सारे ही स्पोर्ट्स इंडिया के मेडल लेके आते हैं। ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जहां से इंडिया श्योर शॉट मेडल लाएगी ही लाएगी। अगर आप अपनी टीम को वहां भेजोगे तो ही एक चांस होता है कि चाहे हम कबड्डी में खेलें, चाहे हम कराटे खेलें, चाहे हम हॉकी खेलें, फुटबॉल, क्रिकेट, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, अगर हमारे प्लेयर्स को भेजोगे वहां पे तभी तो कुछ चांस बनेगा मेडल लाने का। वरना सारे ही स्पोर्ट्स में अगर इंडिया का मेडल आने लग गए तो क्या ही बात हो गई, फिर तो हम चाइना और USA के मेडल काउंट टैली से भी आगे चले जाएंगे ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में। बट आई डोंट थिंक कि ऐसे अगर ऑफिशियल्स IOA में बैठे रहेंगे ज़्यादा देर तक, जो कि ऑफ कोर्स अब नहीं है नरेंद्र ध्रुव बत्रा हमारे प्रेसिडेंट, बट आई डोंट थिंक कि इट वॉज अ राइट डिसीजन फ्रॉम IOA एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2018 में। बट लेट्स सी कि क्या अब हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री 2023 के एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मानती है या नहीं मानती। बट कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास भी अब कुछ चांस है नहीं, उनको भी भेजना ही पड़ेगा वरना उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बाकी स्पोर्ट्स की भी टीम्स को हमारी, जिनकी रैंकिंग नहीं है टॉप 8 में। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन,